चलो अब थोड़ा वर्ड्स को तोड़ेंगे हम पहले, ये जो चैप्टर का नाम है ना, इस नाम को पहले तोड़ के समझेंगे, फिर हम कंसेप्ट जोड़ेंगे। तो आप जैसे समझ रहे हो, यहाँ पे वर्ड दिया है आइलैंड बायोजियोग्राफी। पहला टर्म आता है व्हाट इज आइलैंड, आइलैंड क्या है यहाँ पे। तो आपने मूवीज वगैरह में आइलैंड देखा होगा, एक बड़ा सा समुद्र है, बीच में एक छोटा सा टापू है, राइट, और उसके चारों तरफ से पानी ही पानी है, उसे हम एक आइलैंड कह देते हैं। या फिर एक बहुत ऑफ बीट सी जगह है जहां पे हमको लाइफ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बीच में एक छोटा सा गांव है, लेकिन वो गांव के चारों तरफ कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और वो नॉर्मल लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। तो ऐसे आइसोलेटेड हैबिटेट जो कि अपने जैसे हैबिटेट से काफी ज्यादा आइसोलेटेड रहते हैं, दूर रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, ऐसे एरिया को हम आइलैंड कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आइलैंड जो है ओशन यानी समुद्र के बीच में पाया जाने वाला एक टापू हो सकता है, एक आइलैंड हो सकता है। ये जमीन पे पाया जाने वाला एक आइसोलेटेड एरिया हो सकता है, यानी पहाड़ वाला एरिया हो सकता है, स्प्रिंग एरिया हो सकता है, डेजर्ट में कोई एरिया है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है लेकिन उसके चारों तरफ और उसके जैसा कोई हैबिटेट नहीं है। ऐसे आइसोलेटेड हैबिटेट को हम आइलैंड का नाम देते हैं। तो सबको समझ में आया व्हाट इज आइलैंड? बस ये समझ लीजिए उस आइलैंड के चारों तरफ कोई और आइलैंड इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए वो सबसे अलग है, सेपरेटेड है, अलगाव होके रखा है उसका, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ आइलैंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा वर्ड है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पीसीज एंड द रीजन फॉर देयर पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बायोजियोग्राफी क्या होती है कि ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफी क्या होती है? जगह, किस टाइप की जगह है। सो ज्योग्राफिकली स्पीसीज जो होती हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी किस तरीके से बटी हुई है, किस तरीके से वहां पे पाई जा रही है, ज्यादा पाई जा रही है या कम पाई जा रही है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन एक ज्योग्राफिकल एरिया में कैसा है और उस डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे का रीजन क्या है, इसकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। कि कोई भी स्पीसीज का वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और क्यों है वैसा, इस चीज की स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहेंगे। उसके बाद एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं मेनलैंड। मेनलैंड क्या होता है? अ प्लेस वेयर न्यू इमिग्रेंट स्पीसीज ओरिजिनली इनहैबिटेड। मेनलैंड एक सोर्स लैंड होता है, यानी सबसे पहला वाला कोई आइलैंड या लैंड जिसपे की एक स्पीसीज पहले से रहा करता था, उसे हम कहते हैं मेनलैंड। यानी ओरिजिनली वो उस लैंड से बिलोंग करता था, अ काइंड ऑफ लैंड, उसको हम मेनलैंड यहां पे कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज वैरायटी प्रेजेंट। कितनी वैरायटी प्रेजेंट है स्पीसीज की, उसे हम स्पीसीज रिचनेस कहते हैं। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट रहने चाहिए, जैसे कि स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी, डी, ई, एफ। तो यहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि लगभग 6 वैरायटी प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे स्पीसीज रिचनेस जो है यहां पर कितनी है, 6 ही, यानी 6 वैरायटी की स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज वैरायटी, ध्यान दीजिएगा ये वैरायटी पे फोकस करता है। अगर यहां पे एक के ही और दो मेंबर में डाल दो तो स्पीसीज रिचनेस कितना हो जाएगा, अभी भी 6 ही है। क्यों? क्योंकि वैरायटी अभी भी 6 ही है, मैंने बस ए का इवननेस को बढ़ाया है, ए के अबंडेंस को बढ़ाया है, वैरायटी को नहीं बढ़ाया है मैंने, अभी भी जो है लगभग ए से लेकर एफ तक ही वैरायटी है। तो टाइप ऑफ डिफरेंट वैरायटी जो होती है हमारे पास, उसे हम स्पीसीज रिचनेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को कॉलोनाइजेशन भी कहा जाता है, इसको एंट्री रेट भी कहा जाता है। इमिग्रेशन का मतलब होता है किसी भी स्पीसीज की एंट्री किसी और एरिया में। ठीक है,
तो वर्ड अगर आप देखते हैं इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में आई आता है, ठीक है, तो आई फॉर याद रख लीजिएगा, इन, इन यानी अंदर आओ यानी एंट्री लो, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, दैट इज एंट्री की बात की जा रही है। जैसे कोई आपके घर में एंट्री ले रहा है तो आपके वो घर में आ रहा है, इट इज अ एंट्री ऑफ अ स्पीसीज, एंट्री रेट को, इसी को हम कॉलोनाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा वर्ड आता है ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन को कैसे याद रखना है, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट बोले तो, एग्जिट बोले तो चुपचाप बाहर कट लो, ठीक है, यानी एग्जिट यानी स्पीसीज जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, इसको हम एग्जिट रेट भी कहते हैं, इसको हम एक्सटिंक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम एग्जिट ऑफ स्पीसीज भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम जो वर्ड यूज करेंगे वो जगह जगह पे जो वर्ड होगा वो होगा आइलैंड, मेनलैंड, स्पीसीज रिचनेस, इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन, ठीक है। तो सबका मीनिंग समझ में आ गया, आइलैंड यानी कोई भी एक आइसोलेटेड हैबिटेट जो कि अदर हैबिटेट से काफी ज्यादा सेपरेटेड हो, मेनलैंड यानी वो एरिया या वो लैंड जहां से स्पीसीज ओरिजिनली बिलोंग करता हो माइग्रेशन से पहले, रिचनेस का मतलब हो गया कितनी वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, इमिग्रेशन का मतलब हो गया कि कितने स्पीसीज जो है कितनी एंट्री ली है, और ई माइग्रेशन का मतलब हो गया कितनी बाहर निकल गई है, ठीक है, यस। चलो अब ये तो था बेसिक, इसका टर्म्स का मीनिंग समझ लिया, अब समझते हैं कंसेप्ट को। तो ये जो आइलैंड बायोजियोग्राफी है इसे प्रपोज किया गया था रॉबर्ट मैक आर्थर ईओ विल्सन ने, इनके नाम पे भी सवाल आते हैं कि आइलैंड बायोजियोग्राफी को किसने प्रपोज किया था, इसीलिए इस थ्योरी को मैकआर्थर एंड विल्सन थ्योरी ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है। इसे हम इक्विलिब्रियम थ्योरी भी कहते हैं, इसे हम इंसुलर बायोजियोग्राफी भी कहते हैं, इसे हम आइलैंड बायोजियोग्राफी भी कहते हैं। ये एक्चुअल में ये जो थ्योरी है ये एक्चुअल में स्पीसीज की रिचनेस को समझाने के लिए बताया गया था। सो दिस थ्योरी डील्स विद इन द बायोजियोग्राफी दैट एग्जामिन द फैक्टर दैट अफेक्ट द स्पीसीज रिचनेस ऑफ एन आइसोलेटेड नेशनल कम्युनिटी। तो बोला ये गया था कि ये जो स्पीसीज की रिचनेस है यानी जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज किसी भी एरिया में पाई जा रही है तो उस वैरायटी पे कुछ फैक्टर्स जो है अपना इफेक्ट करेंगे, और जब वो फैक्टर उस स्पीसीज रिचनेस पे अपना इफेक्ट शो करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इसी चीज की स्टडी को किया गया था आइलैंड बायोजियोग्राफी में, ठीक है। तो बायोजियोग्राफी में तो हम यही समझते हैं कि एक स्पीसीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके पीछे की वजह क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन अ हैबिटेड आइलैंड अराइजेज एज अ बैलेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी एक हैबिटेट पे हमको देखने को मिलती है ये किस वजह से देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है दो चीज के बैलेंस से। बैलेंस किस चीज का, दैट इज कॉलोनाइजेशन का बैलेंस विद एक्सटिंक्शन का बैलेंस, यानी एक एरिया पे कितना कॉलोनाइजेशन होगा और कितना एक्सटिंक्शन होगा, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है वही उस आइलैंड पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। क्योंकि अगर कोई कॉलोनाइज ना करे तो भी डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, कोई एक्सटिंक्ट यानी उस एरिया को छोड़ के बाहर ना निकले तो भी वैरायटी कम हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए कॉलोनाइजेशन एक्सटिंक्शन दोनों ही अपना रोल प्ले करते हैं, और इनके बीच का जो बैलेंसिंग होता है ना वो एक्चुअल में इस एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी को एक तरीके से रिप्रेजेंट करके रखता है। अब अगर ये मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो ये ग्राफ देखिए, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, स्पेशली वो बच्चे ध्यान से सुने जिनको ग्राफ में बहुत दिक्कत होती है, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सभी को पता होगा ग्राफ में जो है दो एक्सिस होते हैं, ये है वाई, ये है एक्स, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये हाई पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट लो किसका, वाई एक्सिस का, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस का लो होता है, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस का हाई होता है, ये बात तो सभी को पता होगी होपफुली। तो देखिए अगर मैं एक पिक्चर बनाती हूं कुछ इस तरीके से, ये अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रही हूं तो मैं ये बता रही हूं कि शुरुआत में जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की है तो वो वैल्यू हाई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैल्यू लो होती जा रही है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस ग्राफ में, आइलैंड बायोजियोग्राफी की ग्राफ में हम क्या करते हैं, हम वाई एक्सिस पे इमिग्रेशन रेट या एक्सटिंक्शन रेट लेते हैं,
यानी एंट्री रेट और एग्जिट रेट को लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, हाईलाइटर ले लेती हूँ मैं, ये वाला एक लाइन प्लॉट करते हैं ऐसे। ये लाइन क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है इमिग्रेशन को। इमिग्रेशन यानी एंट्री ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज की एंट्री इस एरिया में कितनी हो रही है, ये हमको पता चलता है इस ग्राफ से। दूसरा जो हमारे पास लाइन हो है वो लाइन ये वाली है, ये वाली। ये लाइन हमको क्या बताती है, ये लाइन हमको एक्सटिंक्शन बताती है, यानी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन रेट, यानी कितनी स्पीसीज इस एरिया को छोड़ के चली गई। और ये दोनों लाइन जहां पे मिलेंगी, ये देखिए ये पॉइंट है जहां पे ये मिल रही है, ये होता है इक्विलिब्रियम नंबर, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एग्जिट और एंट्री दोनों बराबर है। यानी इस पॉइंट पे जितने स्पीसीज ने एंट्री ली है उतने ही स्पीसीज ने एग्जिट लिया है। और जहां पे ये आखिरी लाइन आकर मिल रही है वो बताता है नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने डाला है नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट। तो ये है सबसे हाईएस्ट लाइन जिसको टच किया गया है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इतने प्रेजेंट हैं। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो प्रेजेंट होते हैं इसे हम बोलते हैं साइज ऑफ स्पीसीज पूल, ठीक है। तो ये सारी नेमिंग प्रोसेस हो गई ग्राफ की, कि कौन से ग्राफ को क्या कहा जाता है और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। हमने क्या किया था, जो वाई एक्सिस ड्रॉ किया था वहीं पे हमने दो पैरामीटर ले लिए थे। आप चाहो तो अलग अलग भी वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो। ये था एक वाई एक्सिस, ये था एक्स एक्सिस, आप एक और वाई एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर लो। तो इससे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे एंट्री रेट ले सकते हो तो यहीं पे एग्जिट रेट लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे फिर एग्जिट रेट ले लो। और जैसा दूसरे पहले वाले पिक्चर में बताया था आप वैसा भी कर सकते हो। और ये x क्या होगा, x होगा नंबर ऑफ स्पीसीज। तो अगर मैं ग्राफ को ऐसे बनाती हूँ, ये है ये वाली लाइन, तो ये बताती है मेरे को क्या, दैट इज इमिग्रेशन, राइट, एंट्री रेट बताती है। दूसरी अगर मैं लाइन इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ तो ये मुझे बता रही है क्या, दैट इज एग्जिट रेट, यानी कितने स्पीसीज यहाँ से छोड़ के चली गई। इसको हम एक्सटिंक्शन भी कहेंगे, इसको हम कॉलोनाइजेशन भी कहेंगे, यानी एंट्री जो हो रही है उसको हम कॉलोनाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बीच में एक जो हमको लाइन मिली है ये वाली, जहां पे ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही बैलेंस बता रहा है किसका, यहाँ पे हमको बैलेंस देखने को मिल रहा है कॉलोनाइजेशन का एंड एक्सटिंक्शन का, ठीक है। और ये वाली जो पॉइंट है हाइएस्ट पॉइंट जहां पे आके टच हो रही है, ये क्या है, स्पीसीज क्लियर, समझ में आया, इस ग्राफ को ध्यान में रखिएगा। चलो अच्छा, चलिए एक और चीज देखते हैं। ये y एक्सिस है, जैसे मैंने कहा ये वाला पॉइंट हाई नंबर को बताएगा तो ये वाला पॉइंट लो नंबर को बताएगा। ये x एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट लो नंबर को बताएगा, ये वाला पॉइंट हाई नंबर को बताएगा। कैसे, नंबर सिस्टम आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, अगर मैं 1 2 यहाँ प्रेजेंट करती हूँ तो ये रहा ओरिजिन, दैट इज 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हो गया ना, सबसे हाई वाला नंबर ऊपर, सबसे लो वाला नंबर नीचे, राइट। ऐसे ही मैं एक्स एक्सिस को भी प्रेजेंट कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो अगेन यहाँ भी वही केस हो गया कि भाई सबसे लो वाला नंबर यहाँ हो गया, सबसे हाई वाला नंबर यहाँ, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा है कि ये वाला पॉइंट सबसे हाई होगा एक्स एक्सिस के लिए, ये वाला पॉइंट सबसे हाई होगा, सॉरी, ऊपर वाला पॉइंट सबसे हाई होगा वाई एक्सिस के लिए, नीचे वाला पॉइंट सबसे हाई होगा एक्स एक्सिस के लिए, ये वाला पॉइंट लो होगा एक्स एक्सिस के लिए, और ये वाला पॉइंट लो होगा वाई एक्सिस के लिए,
इतना तो सभी को पता होगा होपफुली, राइट। अच्छा, अगर मैं ये कहती हूं, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाती हूं, अब ध्यान दीजिएगा मैं कुछ कॉम्प्लेक्स चीज बोल रही हूं, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाती हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही हैं, ये और ये। और अगर वाई एक्सिस से मान लीजिए एंट्री रेट था या स्पीसीज की एंट्री थी, और एक्स एक्सिस पे हमको पता है नंबर ऑफ स्पीसीज था, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जब नंबर ऑफ स्पीसीज कम है कहीं पे, ठीक है, अगर मैं ये वाली लाइन कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम है, एक ये वाली लाइन देखिए कनेक्ट कीजिए, ये वाली लाइन, ये मैं ऐसे कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि इस पॉइंट पर जब नंबर ऑफ स्पीसीज कम है उस टाइम पे एंट्री हाई है स्पीसीज की, राइट। ये समझ में आ रहा है? क्यों? किसी आइलैंड पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम है तो वहां पे एंट्री हाई है, क्यों? क्योंकि वहां जगह बहुत ज्यादा है ना, तो वहां स्पीसीज जल्दी 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 जाने लगेंगे, क्यों? क्योंकि खाली एरिया बताता है कि भाई वहां पे रहने की जगह बहुत सारी है, वहां पे जो रिसोर्स है वो यूटिलाइज नहीं किए गए हैं, अनयूज्ड पड़े हैं, मतलब वहां पे उनको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐशो आराम से जीने की जगह मिलेगी, ऐशो आराम से खाने की जगह मिलेगी। तो इसलिए ये पॉइंट क्या बता रहा है कि जब नंबर ऑफ स्पीसीज कम है उस टाइम पे एंट्री रेट ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसको भी चलिए कनेक्ट करते हैं, ये देखिए जरा, ये क्या बता रहा है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बता रहा है कि जब एंट्री है स्पीसीज की, जब नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत हाई हो चुके हैं, तो उस टाइम पे एंट्री क्या हो गई है? एंट्री लो हो गई है, राइट? अच्छा, तो मुझे बताइए ये चीज रटने वाली है या कॉमन सेंस वाली है? ऑल्दो हमें ग्राफ में इसको इतना डिटेल में चीजों को लेके जाना नहीं है, बस मैं आपका थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रांग कर देना चाहती हूँ, इसलिए इसको इतना डिटेल में समझा रही हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है इसलिए एंट्री लो हो जा रही है, क्यों? क्योंकि इतने सारे स्पीसीज जो आ रहे थे आइलैंड पे, वो वहां पे आके क्या करने लगे, उस एरिया को उन्होंने पॉपुलेट कर दिया, और जब वो एरिया बहुत ज्यादा पॉपुलेट हो गया, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज वहां बहुत ज्यादा हो गई, तो धीरे धीरे बाकी स्पीसीज की एंट्री कम होने लगी, क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेस की कमी हो गई, रिसोर्सेस की कमी हो गई, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को? इसे जो बच्चे कॉमन सेंस नहीं यूज करते हैं, उनके लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो उम्मीद करती हूं अब कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। अच्छा, ये तो था एंट्री रेट की कहानी, अगर मैं सेम यही ग्राफ एग्जिट रेट के लिए बनाऊं तो अब एग्जिट के लिए आपकी मर्जी है, आप कौन से प्लॉट पे बनाना चाहते हो, मैं इसी वाई पे लेके बनाती हूँ, दैट इज एग्जिट के लिए बनाती हूँ, ये रहा एग्जिट, ये रहा नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, तो हमको पता है नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे लो होंगे, यहाँ पे हाई होंगे, तो एग्जिट कैसे जाएगा, देखिए एग्जिट कुछ ऐसे जाएगा। अब एग्जिट भी हमको दो चीजें बता रहा है, ये वाला पॉइंट लो है, ये वाला पॉइंट हाई है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जिट क्या बता रहा है, ये पॉइंट कनेक्ट कीजिए, फिर ये वाला पॉइंट कनेक्ट कीजिए, ये पॉइंट पे हमको क्या पता चल रहा है, इस पॉइंट पे हमको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर एग्जिट क्या है, लो है, क्यों लो है, बिकॉज यहाँ पे स्पीसीज का नंबर लो है, भीड़ भाड़ कम है, तो जो आ गया वो वहां पे बसना चाहता है, वो जल्दी जगह को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि छोड़ने की कोई मजबूरी नहीं है ना, आया है, खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है, मस्त है, तो उसके पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जिससे कि वो उस जगह को छोड़ना चाहेगा, इसलिए जब नंबर ऑफ स्पीसीज कम होते हैं तो एग्जिट लो होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए ये वाली पॉइंट,
इसको भी मैच करते हैं। इस पॉइंट पे क्या केस हो रहा है देखिए, इस पॉइंट पे हमको जानने को मिल रहा है कि यहां पर एग्जिट जो है वो बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे स्पीसीस का नंबर बहुत हाई हो गया, यानी इतना भीड़ भाड़ हो गया है कि अब स्पीसीस वहां पे रह नहीं पा रहे। क्यों नहीं रह पा रहे? जगह कम पड़ गई है, खाना कम पड़ गया है, अनवांटेड कंपटीशन करना पड़ रहा है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों ग्राफ को आपस में मिक्स करके ये वाला ग्राफ ऑब्टेंड होता है। ये देखिए, मैंने यहां एग्जिट और एंट्री को मिक्स करके बनाया है और यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग करके समझाया है। इन्हीं को जब मैं मिक्स कर दूंगी तो ये एक ही ग्राफ में ऐसे नजर आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट था कि ये इधर से ही क्यों उठ रहा है, ऊपर से ही क्यों उठ रहा है, वो क्लियर हो गया होगा। हर एक पॉइंट मैंने बता दी है। और ये वाली ये वाली जो पॉइंट होती है वो ऐसी पॉइंट होती है जहां पर एंट्री और एग्जिट बराबर होते हैं, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एम्प्टी आइलैंड का केस ले लेते हैं। एक आइलैंड एकदम खाली भर खाली है, कुछ इशू नहीं है वहां पे। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे स्पीसीज की एंट्री बहुत हाई होगी, यानी नई स्पीसीज बहुत ज्यादा नंबर में एंट्री लेते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आइलैंड खाली है। आइलैंड खाली है मतलब समझ लीजिए लो कंपटीशन है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लाइफ को रिस्क कम है और लार्ज स्पेस है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम में, वो ऑर्गेनिज्म को स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। उसे स्ट्रगल करना पड़ता है खाना लेने के लिए, उसे स्ट्रगल करना पड़ता है स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन उसको मेटिंग के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। फीमेल उसी को सेलेक्ट करे उसके लिए उसको बहुत से फाइट करने पड़ते हैं, बहुत से मतलब कि टैंट्रम करने पड़ते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक इकोसिस्टम में जिंदा रहना इतना आसान नहीं होता, उसको बहुत सारे स्ट्रगल करने हैं। और कहीं पे अगर भीड़ बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की, तो समझ लीजिए वहां पे अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, स्ट्रगल बढ़ जाता है, स्पेस कम हो जाता है, खाने की कमी हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल लाइफ के साथ भी, एक शादी का घर है, वहां पे 100 लोगों को बुलाया था, आ गए 200 लोग। भाई ना सोने की जगह है ना खाने की जगह है, और बात बात पे जो है लड़ना शुरू कर दे रहे हैं, वही वाला कहानी हो जाता है। और अगर आइलैंड बहुत खाली है, बहुत ज्यादा जगह है, तो बहुत से स्पीसीज खुलेआम जो है वहां पे एंट्री ले लेंगे, आराम से रहेंगे और जल्दी जाना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेस अच्छा है, कोई कंपटीशन नहीं है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, स्ट्रगल लेस इन्वायरमेंट है। तो इसीलिए एम्प्टी आइलैंड पे क्या होगा, स्पीसीज की अगर एंट्री होती है तो वो काफी हाई होती है और एक्सटिंक्शन लो होता है, यानी उस एरिया से छोड़ उस एरिया को छोड़ के बहुत कम स्पीसीज जाते हैं। इसलिए एंट्री हाई एग्जिट लो रहता है। एंड दैट इज वाई देखिए हमको ग्राफ कैसा मिलता है। एंट्री देखिए, एंट्री मुझे एंट्री जो है हमको हाई मिल रहा है। कब हाई मिल रहा है? जब नंबर ऑफ स्पीसीज कम है, और जब नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे एंट्री लो हो जाएगा। लेकिन एग्जिट देखिए, एग्जिट का हाईएस्ट पॉइंट ये है, लेकिन एग्जिट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे गया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एरिया इतना खाली है कि वो मतलब कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म वहां भर जा रहे हैं, तो भी बहुत कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिट ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे स्पेस की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो देखिए एग्जिट यहाँ पे जो है मॉडरेट शो किया गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लो एग्जिट है एंड हाई एंट्री है। एम्प्टी आइलैंड में जो है आपको ये केस देखने को मिलेगा, दैट इज द एंट्री विल बी हाई एंड एग्जिट विल बी लो। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं स्टेटमेंट को अरेंज करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पॉपुलेटेड आइलैंड है तो क्या होगा? पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आपको पता है कि आपके भाई की शादी है और वहां पे 200 लोग आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि उस भाई के घर में जो है 100 लोगों के रहने की भी जगह नहीं, और उसने अलग से कोई होटल वगैरह भी बुक नहीं किया है। तो आपके दिमाग में ये चीज घूमेगी कि भाई 100 लोगों के रहने की जगह है घर में, 200 लोगों को बुलाया गया है, क्या हालत होगी। तो आपके वहां पे जाने के चांसेस शायद थोड़े कम हो जाएंगे। आप बहुत सी कैलकुलेशन करने लगोगे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, और अगर आप जाओगे भी तो चांसेस है कि आज सुबह में जाओगे और कल शाम तक लौट आओगे, राइट? तो यही वाला केस पॉपुलेटेड आइलैंड के साथ होता है। अगर एक आइलैंड पहले से ही बहुत पॉपुलेटेड है, वहां पे ऑलरेडी बहुत से स्पीसीज रह रहे हैं, तो चांसेस होता है कि नई स्पीसीज की जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा लो होगी,
नई स्पीसीज उस आइलैंड में बहुत कम एंट्री लेंगी, और जो ऑलरेडी वहां पे रह रही हैं वो एग्जिट लेने के चक्कर में रहेंगी, यानी जो एक्सटिंक्शन होगा या एग्जिट होगा वो काफी हाई देखने को मिलेगा। क्यों इतना एंट्री लो है और एग्जिट हाई है? क्योंकि कॉम्पिटिशन वहां हाई चल रहा है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी लो हो गई है, रिस्क जो है लाइफ के लिए और बढ़ गया है, और स्पेस की भी अवेलेबिलिटी लो हो गई है। इन सभी वजह से एंट्री लो हो गई है और एग्जिट हाई हो गई है, और ग्राफ भी पूरा हमें उल्टा मिला है। देखिए यहाँ पे जो है हमें एंट्री क्या मिल रही है, एंट्री हमको यहाँ पे लो मिल रही है, लो एंट्री, और यहाँ पे एक्सटिंक्शन रेट देखिए क्या हो गया है, दैट इज हाई एग्जिट। क्लियर? यस, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे कॉमन फिनोमेना पढ़ा कि अगर एक एरिया पॉपुलेटेड है तो क्या होगा, और अगर एक एरिया खाली है तो क्या होगा। लेकिन आपको रियलिटी में पता है ये एक पैरामीटर पे काम नहीं चलता है। रियलिटी में कोई भी आइलैंड पे कितनी स्पीसीज आएंगी और कितनी जाएंगी ये एक पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है, मल्टीपल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। और इस मतलब जो हम बायोजियोग्राफी पढ़ रहे हैं इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे जो है ये रूल जब हम अप्लाई करते हैं तभी जाके हमें ये थ्योरी समझ में आती है। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो देखिए क्या इस पहला इसका रूल क्या है कि जो इमिग्रेशन रेट होगा, इमिग्रेशन यानी आई फॉर सॉरी इमिग्रेशन जो रेट होगा दैट इज एंट्री, ये किस पे डिपेंडेंट होगा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, दैट इज डिस्टेंस रिलेटेड होगा। यानी जब भी हम कभी एंट्री को कंसिडर करेंगे तो हम ये कंसिडर करेंगे कि भाई वो एरिया नियर है, नजदीक है या दूर है, यानी फार है। तो हम किसी की एंट्री को जज या किसी की एंट्री का स्टेटस हम कैसे बताएंगे, डिस्टेंस के बेसिस पे बताएंगे, और किसी के एग्जिट का स्टेटस, ई माइग्रेशन का स्टेटस, एग्जिट का स्टेटस हम कैसे बताएंगे, दैट इज एरिया रिलेटेड कंसेप्ट होता है ये, एरिया रिलेटेड यानी साइज रिलेटेड, यानी आइलैंड का साइज कितना है ये बताएगा कि ऑर्गेनिज्म एग्जिट कितना कैसे लेगा। तो साइज के बेसिस पे क्या आ जाएगा, दैट इज साइज जो है आइलैंड का लार्ज हो सकता है, ये स्मॉल हो सकता है। ठीक है, कभी भी हम एंट्री को साइज रिलेटेड बेसिस पे नहीं जज करेंगे, ये रूल है बायोजियोग्राफी को समझने का, वरना अगर आप इनको मिक्स कर दोगे ना तो आप कभी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाओगे कि ये स्पीसीज में जो चेंजेस हुआ वो किस वजह से हुआ, क्योंकि हम मल्टीपल पैरामीटर को एक साथ वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। यानी अगर मल्टीपल पैरामीटर एक साथ चेंज हो रहे हैं, जैसे मैंने कल वाली स्टोरी बताई थी याद है आपको, कि आपको आपके पापा ने डांटा, आपकी मम्मी ने डांटा, आपकी बहन ने डांटा, तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपको एक्चुअल में किसके डांटने का बुरा लगा ज्यादा, क्यों आपका मूड ऑफ है। लेकिन अगर आपको सुबह से सिर्फ डांट पापा से पड़ी है और आपका मूड ऑफ है तो कोई भी ये बोल देगा कि हाँ पापा से डांट पड़ी है इसलिए मूड ऑफ है। तो पहले वाले केस में कोई क्यों नहीं बता पाया, क्योंकि वहां पे वेरिएबल पैरामीटर्स मल्टीपल हो गए, तीन दिन लोगों ने आके डांट दिया, अब हम गैस ही नहीं कर पा रहे किसकी वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है कि अगर हम वेरिएबल पैरामीटर या वेरिएबल कंडीशन बहुत सारे ले लें तो हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि ये जो ज्यादा एंट्री हो रही है ये किस वजह से हो रही है, ये ज्यादा एग्जिट जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है। एंड दैट इज वाई एंट्री के लिए हम हमेशा डिस्टेंस कंसिडर करेंगे और एग्जिट के लिए जो है हम हमेशा साइज कंसिडर करेंगे। समझ में आ रही है ये बात? तो वही बोला है कि इमिग्रेशन रेट दैट इज एंट्री रेट आर डिस्टेंस रिलेटेड, दैट इज आइलैंड नियर टू द मेनलैंड हैव अ हायर इमिग्रेशन रेट देन डू द डिस्टेंट आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड, एंड एक्सटिंक्शन रेट इज रिलेटेड टू द एरिया एंड आर हायर ऑन द स्मॉलर आइलैंड देन द लार्जर वन। ठीक है, तो एग्जिट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ आइलैंड पे, और जो एंट्री होगी वो डिपेंड करेगी डिस्टेंस ऑफ आइलैंड पे। तो टोटल जो है दो फिजिकल फीचर्स हैं आइलैंड के जिसके थ्रू हम बता पाते हैं कि एंट्री और एग्जिट रेट कैसे काम करता है। तो ऑर्गेन जो भी आइलैंड है उसके साइज के बेसिस पे और उस आइलैंड का डिस्टेंस मेनलैंड से कितना है उसके बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर एक आइलैंड, पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस क्या हो सकता है यानी दूरी क्या हो सकती है, दूरी के मामले में यानी डिस्टेंस के मामले में हम किसी चीज को पास कह सकते हैं, किसी चीज को दूर कह सकते हैं। तो अगर एक आइलैंड बहुत पास है, दो आइलैंड लेंगे, एक होगा मेनलैंड और एक होगा आइलैंड। मेनलैंड कौन सा होगा, जहां से स्पीसीज पहले ओरिजिन शो करेंगे। तो अगर ये मेनलैंड है और ये अगर आइलैंड वन है और ये आइलैंड बहुत नियरर है, नियरर यानी पास है, तो अगर मेनलैंड से दूसरा वाला आइलैंड काफी पास है तो जो स्पीसीज की एंट्री स्पीसीज की जो एंट्री होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी या लो होगी? ऑफ कोर्स स्पीसीज की जो एंट्री है, दैट इज एंट्री, वो क्या होगी, वो हो जाएगी हाई, राइट। लेकिन अगर आइलैंड टू की बात करें जो कि मेनलैंड से बहुत दूर है, तो उस टाइम पे स्पीसीज की एंट्री क्या हो जाएगी, स्पीसीज ज्यादा एंट्री नहीं ले पाएंगे, लो हो जाएगी। इन दोनों में हमने किसको डिफाइन किया, दैट इज सिर्फ और सिर्फ एंट्री को डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस रिलेटेड फैक्टर में हम सिर्फ एंट्री देखेंगे। अच्छा, दूर वाले आइलैंड में एंट्री क्यों है, क्योंकि वो बहुत दूर है, वहां पे पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना स्ट्रगल कोई स्पीसीज करना नहीं चाहता, इसलिए एंट्री वहां पे लो देखी जाएगी। लेकिन अगर जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट रखी है, वो है क्या, साइज। मैंने देखी आइलैंड वन आइलैंड टू दोनों में से किसी के साइज में छेड़खानी नहीं की है, क्योंकि हम एक एट अ टाइम एक ही पैरामीटर को हिला डुला सकते हैं। मैंने यहाँ पे साइज के साथ छेड़खानी की है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को चेंज किया है, डिस्टेंस को वेरिएबल बनाया है, साइज यहाँ कॉन्स्टेंट है। तो देखिए आइलैंड का साइज यहाँ सेम है लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट है, क्योंकि मैं अगर साइज भी चेंज कर दूंगी तो मैं समझ नहीं पाऊंगी कि ये एंट्री हाई साइज की वजह से हुई या डिस्टेंस की वजह से हुई, राइट। तो एक बार में किसी एक ही पैरामीटर को हम वेरिएबल बनाएंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे। जैसे यहां पे मैंने साइज को क्या किया, मैंने साइज को कांस्टेंट रखा है और मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया है, वेरिएबल बना दिया है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कि चेंज हो रही है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड केस, केस नंबर टू, यहां पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैंने किसको सेम रखा है, मैंने यहाँ डिस्टेंस को सेम रखा है, तो मैंने डिस्टेंस को अब यहाँ कांस्टेंट कर दिया है और मैं अब साइज के साथ छेड़खानी करूंगी। साइज जो है यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज वेरिएबल हो गया, तो मैंने साइज डिफरेंट बना दिया। और देखिए डिस्टेंस दोनों में सेम है। तो देखिए मेनलैंड से अगर मैं बात करूं आइलैंड थ्री की, जो कि साइज में छोटा है लेकिन डिस्टेंस इसका बराबर है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहां से अगर मैं एग्जिट की बात करूं तो स्मॉल आइलैंड से स्पीसीज का एग्जिट क्या होगा, हाई होगा। छोटा जगह है तो वहां पे स्पीसीज बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो वहां से बाहर निकलने की सोचेगा, तो स्मॉल आइलैंड पे स्पीसीज का जो एग्जिट रेट होता है वो हाई हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ आइलैंड फोर पे देखिए, इसका डिस्टेंस भी मेनलैंड से उतना ही है जितना आइलैंड थ्री का था, लेकिन क्योंकि ये लार्ज है, लार्ज होने की वजह से स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ पे स्पीसीज की एग्जिट क्या मिलेगी, लो मिलेगी। जो स्पीसीज यहाँ पे आ गया वो यहाँ से जल्दी जाना नहीं चाहेगा, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। चलिए इसी का जो है मैं एक आपको स्लाइड दे देती हूँ। तो हमने कहा टू फैक्टर्स जो हैं फिजिकल फैक्टर इफेक्ट करेंगे, पहला कौन सा है, पहला है डिस्टेंस, दूसरा है साइज। डिस्टेंस के मामले में हम जो है एंट्री को जज करेंगे और साइज के मामले में हम एग्जिट को जज करेंगे, एग्जिट के स्टेटस को देखेंगे। तो अगर डिस्टेंस नियर है तब क्या होगा, तब एंट्री जो है वो हाई देखी जाएगी। अगर डिस्टेंस फार है यानी दूर है तो हमको एंट्री क्या मिलेगी, हमको एंट्री लो मिलेगी। अगर साइज की बात करें
तो साइज अगर लार्ज है तो हमको एग्जिट लो मिलेगा, क्योंकि जो आ गया वो जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि साइज लार्ज है मतलब कि जगह ही जगह है, और अगर साइज जो है स्मॉल है तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज एग्जिट हाई मिलेगा। यही तब से हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस केस में, डिस्टेंस के केस में वेरिएबल डिस्टेंस ही होगा और साइज हम कांस्टेंट रखेंगे, और साइज वाले केस में वेरिएबल साइज ही होगा और डिस्टेंस हम कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर?